तो हेलो हमारी अमेजन फैमिली, कैसे आप लोग? होप सो आप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एनएमसीपी चैनल पर। मेरा नाम है संजू और ये मेरे भाई नवी। बहुत सारे दोस्तों के जो है वो मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप घर पर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, घर पर आर्म रेसलिंग कैसे कर लेते। जो हमारी तरह जिम नहीं जाते हैं और आर्म रेसलिंग का शौक रखते हैं, तो वो दोस्तों हमसे पूछते रहते हैं कि आर्म रेसलिंग आप घर पर कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें आर्म रेसलिंग वर्कआउट के लिए, ठीक ठाक आर्म रेसलिंग बढ़ने के लिए आप घर पर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं आर्म रेसलिंग वर्कआउट के लिए। तो यही सब चीज़ें दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं। तो टोटल मिला के आज हम आपको अपना आर्म रेसलिंग सेटअप दिखाने वाले हैं, जिन चीज़ों के साथ हम घर पर एक्सरसाइज करते हैं और जिन सब चीज़ों के साथ वीडियोज़ बनाते हैं, तो वही सब आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आप। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो दोस्तों बिल्कुल कंपलसरी और इम्पोर्टेंट है आपकी आर्म रेसलिंग करने के लिए, तो वो है दोस्तों ये आर्म रेसलिंग टेबल। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी सारी वीडियोस में आपने इस टेबल को देखा होगा और बहुत लंबी जर्नी रही है इस टेबल को बनाने के लिए हमारी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है एक ऑफिशियल आर्म रेसलिंग टेबल के हिसाब से। बस इसमें जो है हमने हैंडल नहीं लगाए हैं, हैंडल लगाने इसमें बाकी हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों अभी ये बिल्कुल परफेक्ट हाइट की है, पर पहले ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। पहले ये बिल्कुल एक नॉर्मल टेबल के जैसी दिखती थी। इसमें पहले हमने एल्बो पैड फिक्स नहीं किए थे, एल्बो पैड भी जो थे इसमें दोस्तों वो भी जो शिपिंग बॉक्स आते हैं अमेजोन से और बाकी सबसे, तो उनको हमने काट के और टेप लगा के ऐसे कुछ फिक्स किया था जो थोड़े बहुत दिनों तक चले थे। उसके बाद दोस्तों उनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसके बाद दोस्तों हमने ये कुछ ऐसे एल्बो पैड्स बनाए थे, इसमें एक नीचे उनका पीस है पूरा और उसमें थोड़ी बहुत ऐसी ट्रैक्टर की ट्यूब की टायर की जो हमने बहुत सारी लेयर रखी थी और इसके ऊपर ये कवर कर दिया था उसी से। तो ये भी दोस्तों शुरू में फिक्स नहीं थी, आपने भी कई वीडियो में देखा होगा ये बिल्कुल भी हमने इस पर ऐसे टैंस लगा कर फिक्स नहीं की थी, ये ऐसे ही घूमते रहते थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप फिक्सिंग सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो जो आपके पैड हैं वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए अपनी जगह पर, क्योंकि ड्रैगिंग जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रेसलिंग के लिए। इसके बाद दोस्तों हमने इन्हें फिक्स बनाया था। इसके बाद दोस्तों दिक्कत ये थी कि ये बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो हमने वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने इन्हें हटाकर ये बिल्कुल मतलब ऑफिशियल मेजरमेंट के साथ हमने ये एलो पैड बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा हल्के और बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी हैं। तो आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो दोस्तों आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो कॉस्ट के साथ हमने घर पर बनाया है, तब हमने वो ब्लैक एलो पैड बनाए थे उसी के साथ दोस्तों हमने इस पुली को भी लगाया था। तो दोस्तों ये जो पुली है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरह से इक्विपमेंट है आपकी आर्म रेसलिंग एक्सरसाइज के लिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी हर तरीके की एक्सरसाइज में, हमारी मतलब एक तरीके से बैक प्रेशर ट्रेनिंग में, पुल बैक और टेबल प्रोनेशन, बहुत सारी एक्सरसाइज में हमारी ये हेल्प करती है, क्योंकि इसमें हम वेट नीचे लटका के इसके एक्सरसाइज आसानी से करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों आप ये इतना ऊंचा लगाएं इसे, मतलब ये एक तरीके से ऊंचे हैं, आप छोटी भी लगा सकते हैं, आपने कई वीडियोस और वगैरह में देखा होगा। तो उसके साथ जो थोड़ी दिक्कत आती है दोस्तों उसके साथ आप बैक प्रेशर और पुल बैक की तो कर सकते हैं, पर प्रोनेशन वगैरह जो है दोस्तों वो अपने एक तरीके के एंगल इसका और उसका बराबर जब होता है तभी आप कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा ऊंचा लगाया था। और इसके अलावा आप इसे नीचे भी लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों ये भी। दोस्तों इसके बाद आती है ये लोडिंग पिन, हम जिसका यूज़ करते हैं वेट को लोड करने के लिए और जिसके साथ हम ऐसे प्रोनेशन और बैक प्रेशर वगैरह एक्सरसाइज करते हैं। तो ये भी दोस्तों कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये भी हमने घर पर बनाई है बस आराम से। इसमें जो है इधर यहाँ एक छोटा सरिया है वो हमने वेल्ड किया है, उधर से हमने थोड़ा पीट के इसमें एक होल किया है इस तरीके से, ताकि इसमें जो ये हुक है ये आराम से चला जाए और हम इसमें वेट लोड कर। तो इसे भी आप घर पर आराम से बना सकते हैं। और कुछ इसके अलावा जो है हमारे पास रबर वेट्स हैं और कुछ जो है हमारे पास होम मेड वेट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे एक वीडियो में हमने पहले भी दिखाया था। तो ये डंबल्स और जो वेट्स है दोस्तों इसके साथ भी हम एक्सरसाइज करते हैं आर्म रेसलिंग की। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास तकरीबन 2 से 3 रोड है, बड़े वाली, छोटी और एक बैंड रोड, जिसके साथ हम रिवर्स बाइसेप कर करते हैं जो फोरआर्म के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और डंबल्स के साथ दोस्तों हम इसके साथ भी हम काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, जो हमने शॉर्ट वगैरह और वीडियो में भी दिखाया था आपको कि अब डंबल्स के साथ और रोड के साथ आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं ब्रिस्ट के लिए और फोरआर्म के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये एक बेंच है हमारी, जिसके साथ हम चेस्ट के वर्कआउट करते हैं, तो इसके साथ ही हम सारी एक्सरसाइज करते हैं कुछ फ्री वेट्स के साथ, रोड्स के साथ और ये भी। तो यही था दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा तगड़ा सेटअप नहीं लगता है आर्म रेसलिंग के लिए। और तो दोस्तों होप सो आपको ये सेटअप हमारा अच्छा लगा हो, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप भी इसे आराम से घर पर बना सकते हैं और इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं।